तो अभी दोनों के उसमें जब तक चेयरमैन नहीं बने, और ये भी साफ थे स्कूल है वो तानाशाही तरीके से उसके कार्यकारी अध्यक्ष सलीम खान और सचिव असरफी साहब ने उस स्कूल को मार्च में बंद करने के आदेश निकालते हुए शासन को लिख दिया कि सिवरा स्कूल हम बंद कर रहे हैं। और उसमें ये लिखा कि समिति द्वारा पास किया गया है, जो बिल्कुल झूठ लिखा, समिति द्वारा पास नहीं है। और उन्होंने स्कूल को बंद करा दिया, उसकी मान्यता रद्द करा दी। आज बच्चे सड़क पे आ गए, उसका उद्देश्य ही था कि समाज द्वारा कि वो घाटे में चले चाहे प्रॉफिट में चले, हर हाल में वो स्कूल चलना है और उसको शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मुसलमानों के। और मुक्त हस्त से लोगों ने दान पुण्य खूब किया था वक्फ संस्था के लिए, हजारों करोड़ों मतलब एक एकड़ जमीन जो उसमें है, अरबों रुपए की जमीन है और हर साल उसका आय भी करोड़ों रुपए में है और भरपूर आय में चलता है। एक पर्टिकुलर कोई स्कूल अगर कम बच्चों के कारण घाटे में आ गया तो वो उन्हीं की गलती से हुआ ना, वहाँ सुविधाएं स्कूलों में सिवरा स्कूलों में, और ना ही वहाँ टीचर अच्छे हैं, केवल 5-6 का स्टाफ है। उसको भी अलग करने के लिए एक तो वो सांप्रदायिक सोच रख रहे हैं, 6 का स्टाफ है टोटल वहाँ पर, उसमें एक मुस्लिम है बाकी अन्य समाज के हैं, और उनको के उनको हम कैसे अलग करेंगे, इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं और समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि वही स्कूल की मान्यता फिर से पुनः चालू करवा के और उस स्कूल को चालू किया जाए। समाज भरपूर सहयोग देगा, विद्यार्थी भी वहाँ बढ़ेंगे, एक अच्छे मौके पर स्कूल है और सहयोग करने तैयार है समाज। लेकिन सलीम खान अपनी जिद पर अड़े हैं, वो चूँकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का उन्होंने निश्चय कर लिया है शमसुल हसन खान।